नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश गुजर खंडवा से इम्पॉर्टेंट केस के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। केस है डेंचर 32। सामान्यतः लोग ये डेंचर है सामान्यतः लोग डेंचर लगवाने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि डेंचर लगाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, जबकि भैया मेरे डेंचर का उपयोग खाना चबाने के लिए है, न कि कोई दिखावे के लिए है। कई सारे लोग तो सोचते हैं कि मेरे थोड़े से दांत बचे हों, 5-6 दांत, ये गिर जाए उसके बाद में डेंचर लगवा लूँ। मेरा काम अभी हिड़ी से चल रहा है तो जैसे तैसे खाना खाता है, मतलब पूरी तरीके से खाना भी पाचन नहीं हो पाता है और खाना खा लेता है। इस तरीके से उसको बहुत सारी तकलीफें होती, गैस की समस्या होती, प्रॉपर खून नहीं बनता है, कमजोरी आती है। आज हम इसी बारे में केस के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। मेरे पास में ये पेशेंट है, आज के 1.5 महीने पहले आए थे। माझी भी एक फिजिशियन के पास गए थे, माझी को थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी तो माझी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स चेक कराई, सब कुछ नॉर्मल था बट इनके दांत नहीं थे। तो माझी को बताया कि सबसे पहले आप दांत लगवाइए, अगर दांत नहीं लगवाओगे तो खाना कैसे खाओगे। बोले ठीक है सर, ये मेरे पास है 1.5 महीने पहले, इनके दांत देखे मैंने, इनके 5-6 दांत ही थे। इन्होंने भी वही जिद लगाई कि नहीं ये दांतों में सेट कर दीजिए, मैंने मना कर दिया। बोले नहीं, मैं हिड़ियों से तो खाना खा लेते, मैंने कहा खा लेते तो उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं, वीकनेस तो आई रही ना, हिड़ी से खाना खा लेते तो पच कहाँ रहा, खून कहाँ बन रहा है, आप पूरे दांत निकलवाओ और 32 लगवाओ। फिर माझी की मैंने 1.5 महीने पहले पूरे दांत निकाले, आज हील हो गए हैं और पूरी तरीके से माझी स्वस्थ हो रही है, उनका डेंचर कंप्लीट हो गया, हम अब डेंचर लगा रहे हैं माझी को। आ करो माझी, आ कीजिए, ठीक है, ये हो गया ऊपर के दांत, आ करो, आ बंद कीजिए, पूरा बंद करो अच्छे से, ये हो गया, ये पूरे कंप्लीट। माजी ठीक हो?